भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। कोहली ने अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में एक शानदार शतक जड़ने का कारनामा किया है। किंग कोहली ने अपनी पारी में 121 रन जड़े, इस दौरान उन्होंने 11 चौके भी लगाए। इस बीच शतक वीर विराट को कैरेबियन देश में माँ का प्यार भी मिला है। दरअसल वेस्टइंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज जोशुआ द सिल्वा की माँ शुक्रवार को विराट कोहली का खेल देखने के लिए स्टेडियम पहुँची थी। दूसरे दिन का खेल खत्म होते ही विराट कोहली मैदान से बाहर निकलकर टीम इंडिया की बस में जाने ही वाले थे, तभी जोशुआ द सिल्वा की मां उनके सामने आकर खड़ी हो गईं। इस दौरान कैरेबियन खिलाड़ी की मां ने कोहली को गले लगा लिया और उनके गाल पर किस भी किया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ वार्तालाप भी हुई। ये प्यार भरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वेस्टइंडीज के विकेट कीपर की मां ने किंग कोहली को बताया कि वह उनकी बहुत बड़ी फैन है। वहीं 34 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी क्लिक कराई। इस दौरान वह काफी भावुक हो गईं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विमल कुमार यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए जोशुआ की माँ ने कहा, विराट कोहली मेरे बेटे की तरह है, मुझे उम्मीद है कि जोशुआ उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। जोशुआ मेरा बेटा है, मैंने उससे कहा था कि मैं बस विराट को देखने के लिए आ रही हूँ क्योंकि उसे तो मैं रोज देखती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि विराट एक शानदार व्यक्ति है, उनसे मिलना मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक है। मेरा बेटा उनके साथ खेल रहा है और कोहली से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इससे पहले दूसरे टेस्ट के पहले दिन जब विराट कोहली क्रीज पर मौजूद थे, तब जोशुआ ने विराट को इस बारे में बताया था कि उनकी माँ उनकी कितनी बड़ी फैन है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।